स्पिरिचुअल आउटलुक को डेवलप करने के लिए स्पिरिचुअल फिलॉसफी की स्टडी पहली रिक्वायरमेंट है। हमारे देश में ढेर सारे स्क्रिप्चर्स हैं और ये हम देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। हमारे पास वेद और उपनिषद तो हैं ही, उसके अलावा सिख स्कूल ऑफ फिलॉसफी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, योग, तंत्र, पुराण, भगवद गीता, इसके अलावा इन सब टेक्स्ट पर ढेरों व्याख्याएं, पुस्तकें, एनालिसिस, कमेंट्रीज पिछले 2-3 हजार वर्षों से कितने लोगों ने इन ग्रंथों पर शोध किया है, लिखा है, लेक्चर्स दिए हैं, और पिछले 100-150 साल में भी बहुत से गुरुओं ने अपने अपने ढंग से अलग अलग टेक्स्ट की व्याख्या की है। तो मटेरियल हमारे पास बहुत है, तो उन मटेरियल्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने अब ये शुरू किया है कि हम स्क्रिप्चर्स का अध्ययन थोड़ा थोड़ा विधिवत तरीके से करेंगे, जिससे हमें मानसिक बल मिले। हमारा मकसद कोई स्कॉलर बनना नहीं है, हमारा मकसद किसी स्क्रिप्चर पर PhD करना या रिसर्च करना नहीं है, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स में सूत्र हैं, श्लोक हैं, वचन हैं, उन पर चिंतन करना, उन पर कॉन्टेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, अंग्रेजी का ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू पॉन्डर ऑन दोज सेक्रेड वर्ड्स, तो उससे हमारे मन को विस्तार मिलता है और हमारा मेंटल वर्ल्ड हेल्दी होता ही होता ही है। यहाँ पर एक बात कहना या शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि तमाम स्क्रिप्चर्स में मूल बात क्या है, ये जिन स्क्रिप्चर्स का जिक्र मैंने किया उन सब में मौलिक बात, फंडामेंटल बात क्या है, वो है आत्मा या चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस की व्याख्या, वही है मूल बात। ये बात हमारे देश के वाइज लोग, एनलाइटेंड लोग, ऋषि तुल्य लोग बहुत पहले समझ गए थे कि संसार में सारी समस्याओं का समाधान आत्म ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ सेल्फ, द नॉलेज ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। इसीलिए तरह तरह से उन्होंने कोशिश की कि मनुष्य उस राह पर चले जिसे धर्म की राह कहा गया है। और मेरा वैयक्तिक मानना भी यही है कि आज हम जिसे बहुत बड़ी समस्या मान रहे हैं, मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज और नेगेटिव इमोशंस की प्रॉब्लम, जिसे हम साइकिक वर्ल्ड में साइकोलॉजी और साइकेट्री के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश बहुत देर तक और दूर तक सफल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मन का जो स्रोत है, मन जहां से आया है, उसको जानना, उसको समझना और उससे संबंध बनाना जरूरी है, तभी मन ठीक हो सकता है। वरना मन विक्षिप्त, बीमार या मूढ़ या नकारात्मक बना ही रहेगा। मन को उससे बड़ी सत्ता देना जरूरी है, या मन से जो ज्यादा सूक्ष्म है वो सत्ता देना जरूरी है। तो सूक्ष्म सत्ता क्या है? वो है चैतन्य सत्ता, वो है द सेल्फ, हमारा जो सेल्फ है और पूरे कॉस्मोस का जो सेल्फ है, वही हमारा निदान है, वही हमारा इलाज है, वही है सारी समस्याओं का समाधान। तो आइए ये यात्रा शुरू करते हैं। आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, और जहां से मैंने शुरू किया है वही मैं अपने से जो थोड़े से जूनियर लोग हैं या साथी हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो वो यात्रा थी उपनिषदों के अध्ययन से, वो यात्रा शुरू हुई उपनिषद के स्टडी से। उपनिषद का जो अध्ययन है वो एक ऐसी चीज है जो आपके मन को मन से पार ले जाने में थोड़े वक्त के लिए कामयाब हो जाती है। मुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? ये यात्रा मेरी तो 91-92 के आसपास शुरू हुई थी, तब मैं इनिशियली स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रभावित था, और चूँकि उनकी वाणी में बहुत, वाणी तो हमने सुनी नहीं, उनके जो लेखन था उसमें बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें थी,
और उसमें वो जगह जगह पर उपनिषद का, वेदांत का जिक्र करते थे। तो तब ये ख्याल में आया कि इन व्यक्ति ने जो वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन किया, उससे जो इन्हें ज्ञान मिला है या ताकत मिली है, वही हम डायरेक्टली क्यों न लें। इसीलिए मन में ये विचार आया कि डायरेक्टली उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया जाए, और मैंने भी वही किया था, और वहीं से मेरी ये जर्नी जो अंतरयात्रा की जर्नी है वो यहाँ से शुरू हुई थी। तो शुरू में पठन पाठन से ही काम किया जाता है, श्रवण से ही यात्रा शुरू होती है, उसके बाद मनन का स्टेज है जिसमें आप ध्यान धारणा जैसा अभ्यास करते हैं, और फिर आगे की स्टेज जो समर्पण की स्टेज है या निधिध्यासन का स्टेज है, सरेंडर का स्टेज है, बहुत आगे का स्टेज है वो। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए या मेंटल वर्ल्ड को मजबूत करने के लिए या मन की शक्ति को और ज़्यादा पाने के लिए हमें स्क्रिप्चर्स का स्टडी करते रहना चाहिए, वो बहुत इंस्पायरिंग है। आपके अपने डिप्रेस्ड मोमेंट में, टूटे हुए क्षण में, हारे हुए क्षण में, निराश मन में वो ऑइंटमेंट का काम करते हैं। तो मैंने जो उपनिषद चुना है वो है ईशावास्योपनिषद, 18 सूत्रों का है, और हालांकि मैं सभी सूत्रों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरी कोशिश है कुछ सूत्र लेने की और उनमें जो मौलिक बात है, फंडामेंटल बात है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। तो ईशावास्य उपनिषद में पहले तो शांति मंत्र है, उसके बाद जो पहला वचन है, पहला सूत्र है वो कहना चाहूँगा, वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजथा माँ गृद कस्य स्विधनम। मेरी नज़र में बहुत इंस्पिरेशनल संस्कृत श्लोक है ये। पहला भाग ये कहता है कि ये पूरा जगत, जगत में स्थावर जंगम, जड़ चेतन, मूवेबल एंड इमूवेबल, जो कुछ है वो ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से कवर्ड है, या ईश्वर से कवर्ड है ऐसा मानो, ये कहता है ऋषि। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब नास्तिक आदमी यहां पे फंस जाएगा, लेकिन जो आस्तिक आदमी है जिसे ये यकीन करना है कि ईश्वर तत्व कुछ है, अब ईश्वर तत्व क्या है, उसको कैसे डिफाइन करें, मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में ईश्वर तत्व को कैसे डिफाइन करें, ये एक अलग टॉपिक का विषय बन जाता है। और कुछ दिनों में ईश्वर को भी हम डिफाइन अच्छे से कर सकते हैं, ताकि वो जो पुरानी परंपरागत धारणा है एक ऐसे सत्ता को मानने की कि कोई है जो दुनिया को चला रहा है, सिर्फ उससे बात नहीं बनती है। हमारे पास जो इतने टेक्स्ट हैं उनमें तत्वों का बहुत डिटेल्ड स्टडी है। तो ईश्वर एक तत्व है, शिव एक तत्व है, शक्ति एक तत्व है, सदाशिव एक तत्व है, शुद्ध विद्या एक तत्व है, माया एक तत्व है, राग काल कला नियति ये कुछ तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार ये तत्व हैं, पुरुष प्रकृति तत्व है, फिर ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ पंच तत्व, ये ऐसे करके पूरा डिविजन है इस यूनिवर्स का। तो जब तक आप उसको स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप उसके अंदर की जो गहराई है उसको समझ नहीं पाएंगे। स्कूल कॉलेज में जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ठीक वैसे ही स्टडी करना पड़ता है, और जैसे ही आप स्टडी करेंगे धीरे धीरे आप पाएंगे आपका जो मेंटल वर्ल्ड है वो एक्सपांड होना शुरू करता है, उसमें एक्सपेंशन आ जाता है। तो ईश्वर तत्व को हम अभी यही मान लें, जिस शक्ति से या जिस सत्ता से ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उससे ये सारा संसार जो आंख से दिखता है और जो आंख से नहीं दिखता है वो उससे कवर्ड है, वो उसके अंदर मौजूद है। एक कण, एक गैलेक्सी, यहाँ टेबल, ये कुर्सी, ये जंतु, ये जानवर, ये मनुष्य, ये मैं, ये तुम, ये वो, ये सब, ये पूरी मनुष्य जाति, ये प्लांट्स, ये एनिमल लाइफ, इन सब में वो ईश्वर तत्व है। ये आप मानो, ये कह रहा है। तेन त्यक्तेन भुंजथा माग्रद कस्य स्विधनम्। तेन त्यक्तेन, इसीलिए त्यक्तेन, अब ये त्यक्तेन शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिनंसिएशन के साथ। क्यों करेंगे आप रिनाउंस? क्योंकि आपका कुछ नहीं है। जब यहां भी ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम कि सब कुछ ईश्वर का है, तो आप इस संसार में रिनंसिएट की तरह, त्यागी की तरह जियो, और किसी के धन की कामना न करो। तेन त्यक्तेन भुंजथा मा गृद कस्य सिद्धनम्, या उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो फिर किसका क्या धन, कौन सा धन किसका है,
हूज मनी इज इट? आज हम मनी के वर्ल्ड में इतने ज्यादा घुसे हुए हैं, मेरा पैसा, तेरा पैसा, इसका पैसा, पूरे विश्व भर में पैसे को लेके जो इतनी मारामारी है, उसके लिए ये स्टेटमेंट कि ये धन उनका है, ईश्वर का धन है। तो ये स्टेटमेंट स्पिरिचुअल स्टेटमेंट के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक स्टेटमेंट भी है। मजेदार बात यह है, इस सूत्र पर अगर गौर करें तो हम अपने वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जब ये बात कहें कि सारा संसार ईश्वर का है, क्योंकि ये मिट्टी, ये गगन, ये वायु, ये नदी, ये पानी, ये सब जिसका है, उस पर हमारा क्या कंट्रोल? हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा है? या कोई बड़ा कॉरपोरेट जायंट कैसे कह सकता है कि ये मेरी फैक्ट्री है, मेरी जमीन है? कोई जमीन किसी व्यक्ति की है नहीं। वैसे भी इस पर गौर करो तो कब कौन सी जमीन किसकी थी? वही जमीन जो आज हमारी है, आज से 200 साल पहले किसी और की थी, 500 साल पहले किसी और की थी, 1000 वर्ष पहले किसी और की थी। तो कहाँ है वो लोग जो उस वक्त उस जमीन के मालिक थे? तो जमीन की मिल्कियत एक धोखा है। तो इसका आंसर क्या है? इसकी मिल्कियत उनके पास है, ईश्वर के पास है। तो पहला सूत्र आपसे ये कह रहा है कि ईश्वर तत्व को इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में मौजूद है ये मानो। तो यहीं से ये अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। जब आप ऐसा चिंतन करेंगे कि सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ ईश्वर के भीतर ही है, मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूं, सभी उन्हीं का हिस्सा है, तो अपने आप मन का विस्तार होता है। जैसे जैसे मन एक्सपैंड करना शुरू करता है तो मन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मन की जो छोटी छोटी वरीज हैं, वो सॉल्व होनी शुरू होती है। वैसे भी कभी आपने अगर इस तरह की एक्सरसाइज की हो, अगर नहीं किया है तो अब कर सकते हैं, कि किसी बड़े प्राकृतिक एरिया में जाके थोड़ी देर बैठें, जैसे विशाल नदी या विशाल समुद्र या विशाल खुला मैदान या विशाल गगन, रात के समय, सुबह के समय या चांदनी रात के समय लेट जाएं कहीं और आकाश को ही देखें। तो ये जो प्रकृति का विस्तार है, ये देखने से मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो मन को उससे बड़ी चीज मिलती है, और मन जहां से आया है उसको वो संपर्क में आना शुरू होता है, इसलिए वो शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाता है। और मन जितना संकुचित रहेगा उतना दुखी, त्रस्त और डिप्रेस्ड रहेगा। सारी मेंटल हेल्थ की समस्याओं की वजह है हमारे मन का संकुचित होना, हमारा मन का छोटा होना। तो मन को हमें एक्सपैंड करना है, तो उसकी कुछ कुछ टेक्निक्स वो प्रैक्टिकल वे में आएंगी, लेकिन थ्योरी में हम इन सूत्रों के जरिए समझ सकते हैं और खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इस सूत्र से पहला जो लेसन है वो यही लेना है कि सेल्फ या द लॉर्ड इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। नाउ आज के समय में बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज दे आर गाइडेड बाय द मटेरियल फिलॉसफी। तो मटेरियल फिलॉसफी ने जो अपनी जगह समाज में बनाई है, उसकी वजह से बहुत लोगों को इस पर डाउट होता है कि जो ईश्वर दिखता नहीं है, जो ईश्वर हमें आंखों से हम देख नहीं सकते, उसको हम कैसे माने? और ईश्वर के नाम पे जो इतनी धाराएं हैं, इतनी धारणाएं हैं, ईश्वर के नाम पे अलग अलग धर्म है, उन धर्मों के बीच में लड़ाइयां हैं, उनमें कोई एक बात नहीं है, यूनाइटेडली वो काम नहीं करते और आपस में लड़ते रहते हैं। इस वजह से कुछ लोगों के बीच में जो ये चिंतन पैदा हुआ है, तो वो उनको इस ईश्वर तत्व से दूर ले जाते हैं। लेकिन उसकी चिंता करते बगैर जो पॉपुलर वर्ल्ड में डेफिनेशंस हैं, उससे हटते हुए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डेफिनेशंस हैं, उसको जानना, समझना और मानना जरूरी है। साइंस मैटर की स्टडी से शुरू हुआ और उसने ये बताया कि सब कुछ मटीरियल है, लेकिन धीरे धीरे उसने एनर्जी को पाया। हमने ये जाना कि हर कण के पीछे एनर्जी है और एनर्जी और मैटर में एक रिलेशन है। और स्पिरिचुअल स्टडी, उपनिषदिक स्टडी आपसे ये कहता है कि एनर्जी के पीछे भी चेतना है, वही चेतना जो सबका कंट्रोलर है। तो उस चेतना को मानना, उस चेतना से रिश्ता बनाना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसी से जुड़ी हुई
आगे के सूत्र हैं जो आने वाले दिनों में उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज हमने ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला जो वचन है उस पर थोड़ी सी बातें कही। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसी ईशावास्योपनिषद पर थोड़ी और बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार।